कब होंगे रे? हो गए, कैसे क्या हो गए? चलते चलते जाने के लिए प्लीज पूरा व्लॉग देखिए दोस्तों। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गुस्सेल खाना। तो आज मैं नमकीन बनाने जा रही हूँ, जो कि मैंने आपको दिखाई नहीं पिछली बार। आज मैं बनाऊंगी और मेरा भाई मुझे हेल्प करेगा, है ना अद्दू? जबरदस्ती की हेल्प, ठीक है। चलो मैं बताती हूँ क्या क्या सामग्री लगेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको कढ़ाई लगेगी, परात लगेगा, जो भी आपके घर में कंटेनर होगा वो ले लो। आटा ले लो, आटा मैंने इतना आटा लिया है मुझे नहीं पता ये 200 ग्राम है 500 ग्राम है कुछ भी ग्राम है, बट मैंने ले लिया। अपार्ट फ्रॉम दैट मैदा, उसके अलावा मैं थोड़े से तिल भी डालूंगी, तिल। इसको बोलते हैं ओवा, अजवाइन, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे, और थोड़ा सा तेल, क्योंकि मोहन जो होता है ना वो तेल होता है। मुझे बहुत सालों बाद पता चला कि मोहन है क्या, मोइन मोहन जो भी बोलते हैं, इट्स तेल। तो आ जा अद्दू। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा दही भी ऐड कर दूँ, बट उसके बारे में हम बाद में सोच सकते हैं। तो फर्स्ट वी विल ऐड कणिक, आटा। आटे को हम ऐड कर देते हैं, जैसे कि मैंने 3 कटोरी अभी हुई दोस्तों, क्योंकि मैं हाफ हाफ ले रही थी, 3 कटोरी मैंने आटा लिया है, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ 3 कप आटे के हिसाब से मैं 1 कप मैदा ले लूँ। तो मैंने मैदा ऐड कर दिया, 1 कप, 1 कटोरी, व्हाटएवर। उसके बाद तो हम थोड़ा सा, अरे ज़्यादा हो गया, इसको ऐसे ले लेंगे, निशा मधुलिका जो बोलती है उसके हिसाब से हम क्रश करके ऐड कर देंगे। मैं उनका चैनल फॉलो करती हूँ। और ये क्या है अद्दू? तिल, तिल भी ऐड कर देंगे, मुझे अच्छे लगते हैं वो थोड़े थोड़े बाहर निकले हुए। अंकल देख रहे हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट कलौंजी, कलौंजी को इस तरीके से किसने पैक किया यार, ये ऐसी कैसी पैक हुई है अच्छू। तो दोस्तों ये कुछ भलते तरीके से पैक हो गई है, तो मुझे भी दिखा रहा है ना, मैं आ रही हूँ कि नहीं, इसे भी आ रहा है अन्नू। तो इसमें हमने कलौंजी भी ऐड कर दी, थोड़ा इधर दिखाना, इसके अंदर ऐसे करके। तो कलौंजी ऐड की, तिल ऐड किए, राई ऐड की, 1 कटोरी मैदा और 3 कटोरी आटा, है ना। और अभी थोड़ा सा नमक हमें लगेगा, नमक वो मत देना, अच्छा नमक इधर ही है। तो हमारा ये सेंधा नमक हम यूज कर रहे हैं, इसमें हमने इतना डाल दिया, कितना डालूं काकू? मैं सोच रही हूँ कि 1-1.5 टीस्पून हमने ऐड कर दिया। अब व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड थोड़ा सा तेल। अब तेल इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि वो हमको जो मोइन मोइन बोलता है ना, वो उसका करना पड़ता है। अब ये मैंने अपने हिसाब से डाला है दोस्तों, तो वैसे ही है, आप भी अपने हिसाब से डालो और इसको थोड़ा मिला लो। इसको इस तरीके से मिलाना है जैसे कि ये हर मतलब आटे को अच्छी तरीके से ये तेल लग जाए, उस तरीके से हमको इसको मिलाना है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा और तेल ऐड करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अद्दू? श्योर। पहले वो सब्जी वाली से सब्जी ले ले, तब से चिल्ला रही। ओके, तो आई ऐड तेल। देखो दोस्तों, यू कैन ऐड बटर, यू कैन ऐड घी, जैसे भी आपको पसंद हो, लेकिन मुझे तेल पसंद है और मेरे भाइयों को, भाई और बहनों को भी घी में बना हुआ कुछ पसंद है ना अद्दू? यस। मैं दिख रही हूँ ना कि बस यही दिख रहा है, दिखता है। ये गुस्से वाला खाना का व्लॉग है भाई, अगर अपन नहीं दिखेंगे तो कैसे होगा। मैं भी चंद्रपुर में हूँ, तो
तो उसी लहजे में बात कर रही हूँ मैं, मजा आता है। देखो अभी इसकी कंसिस्टेंसी देखो दोस्तों, ये कैसे ऐसे मुट्ठी में बंध रहा है ना, तो ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो नाउ हम इसको नीड करेंगे। अब नीड जो है हमको सॉफ्ट नहीं करना है, हमको हल्का सा सॉफ्ट का ऑपोजिट करना है, ठीक है। क्या होता है, थोड़ा सा कड़क कड़क हार्ड करना है, ठीक है। तो मैंने ऐसा सोचा है कि थोड़ा सा हम 2 चम्मच दही ऐड करते हैं। पता नहीं इसका क्या होगा, आई एम जस्ट ट्राइंग। दही ऐड करने के बाद आई ऐड वाटर, थोड़ा 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 सा ये कर दें क्लोज। तो दोस्तों मैंने इसमें दही ऐड किया है। अब मुझे नहीं पता है दही का क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया मैं ये टीस्पून से कम 5 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया दही, ठीक है। अभी इसको हम मिलाते हैं। जरा पास आइए अनोखी जी। तो हमने दही को अच्छे से मिला लिया। Why I am adding dahi, Anu? Why? What could be the need of adding dahi? क्या मेरा इस चिढ़ाओ मत। तो अभी हम हल्का हल्का पानी लेंगे, दही मिल चुका है देखिए इतना, ऐसा छिड़केंगे। तो अनु एक फिर ना करो, ऐसा छिड़क लिया मैंने। अब इसको धीरे धीरे करके हमको नीड करना है अच्छे से। थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करते रहेंगे हम, एक साथ ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो ये सॉफ्ट हो सकता है, तो ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने ऐसे नीड कर लिया है, दिखा दे प्लीज में। अब इसको हम कम से कम 10 मिनट के लिए ऐसे ढक के रख देंगे और उसके बाद मिला लेंगे। देखिए मैंने थोड़ा सा तेल हाथ में लिया है इतना, और इसके ऊपर हम ऐसे लगा के इसको 10 से 15 मिनट ढक के रख देते हैं। ओके, ढकने के लिए मुझे एक प्लेट चाहिए, मैं अपने चाचा के घर पे थी। तो हमने इस तरीके से इसे ढक दिया है। अब मैं आपको इसके बाद मिलती हूँ 10-15 मिनट बाद, ठीक है। हाँ ढक गई, ढक गई। मुझे नहीं पता है, मुझे मत पूछो ना, मुझसे नहीं पता, मुझे नहीं पूछो, मुझे नहीं। तो जब तक वो हो रहे दोस्तों मैं थोड़ा आराम करती हूँ। बाप रे बाप, आराम बहुत जरूरी है दोस्तों, मस्त आराम करो। ये आराम चेयर बनी आराम के लिए, तो क्यों ना, है कि नहीं अनु? बढ़िया जिंदगी के मजे, यहाँ पे चाय वाय पी सकते हैं, आराम करो, खाओ, एकदम एमलेस। एमलेस मैं ऑलरेडी हूँ और एमलेस मेरे पापा, मैं बताती हूँ। मेरे पापा नीचे बैठ के पेपर पढ़ रहे हैं और मेरे अंकल बनियान पहन के अंकल मुझे डांटेंगे। उनको तो लगता है कि मैं बिल्कुल जब से मतलब एमलेस लाइफ है मेरी, ऐसा लगता है मेरे पापा को। सबके पापाओं को लगता होगा नहीं। तो अभी और 5 मिनट बचे हैं, उसके बाद करते हैं अपना वो तलना फलना। ओके, तब तक मैं थोड़ा आराम करती हूँ। क्या देख रही है अनोखी? अद्दू दोस्तों आपको अपने शहर में ही मुर्गे दिखते हैं, मुंबई लेके जाएंगे तो इसको तो बेचारे को काट लेंगे। कितने आराम से घूम रहे हैं, है ना अंकल? थोड़ा सा बांग वांग देगा तो अच्छा रहेगा मेरे ब्लॉग के लिए। चला गया बेचारा। 15 मिनट से ज्यादा हो गए, 20 मिनट हो गए। तो देखो ये अभी इस तरीके से हुआ है, इसको हम अच्छे से मल लेते हैं।
इसको हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा तेल हाथ पे ले लेते हैं और फिर एक बार अच्छे से मल लेते हैं। अब हम इसे फ्राई करते हैं, ठीक है। इसे हम एक इतना एक सेकंड, ये क्या है, गोला ले लेते हैं, इसको अच्छे से पेड़ा बना लिया हमने इसका। अब इसे बेल लेते हैं, बेलो बेलो आपके हिसाब से आप इसे पतला बेल सकते हैं, मुझे थोड़े थोड़े थिक चाहिए इसलिए मैं इसे ज्यादा पतला नहीं। ओ नो, ये स्टोरी क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है, हाथ दो। दोस्तों इसे दिखा दो, मुझसे ये हो नहीं पा रहा है तो मैं, तो दोस्तों हमने इसके नीचे पेपर रख लिया है, अब ये उतना उछल नहीं रहा है, इसको आज बड़ा उछल कूद करने का मन कर रहा है पता नहीं क्यों। तो अब ये जो है हम इससे इसको कट करेंगे इस तरीके से। आ जा, आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको स्क्वायर शेप में भी ऐसे कट करके काट सकते हैं ताकि ये जो पोर्शन है इस तरीके का ना आए। फिलहाल के लिए मैं आपको उस तरीके का करके दिखाती हूँ, इसको यहाँ रख देंगे यहाँ और इसको हम कट करते हैं। ये देखिए, ये ना मुझे अपने मुंबई के घर के लिए भी खरीदना है। अब इसको गोल घुमाइए ऐसे करिए, या तो आप छोटे रख सकते हैं या तो लंबे भी कट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इस साइज के स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप के किए, ठीक है। तो अब ये तेल जो है गरम है दोस्तों, ऑलरेडी इसमें हमने कुछ तले हैं जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो लेट्स ऐड हमारा वाला, ये देखो ये जो मज़ा आ रहा है ना मुझे डालने में, मुझे नहीं लगा ये जो मजा आ रहा है ना, क्या दू, थोड़ा सा मुझे दिखाना है, थोड़ा सा इसको दिखाना है, नया है थोड़ा, इसको पता नहीं है, थोड़ा सा मुझे इसको डुबोते जाओ डुबोते जाओ। अभी तो खाएगा मेरे हाथ का, खाना तो पड़ेगा ना, खाना पड़ेगा। तो जैसे हमने ऐड कर दिए, आप देख सकते हैं इसको अच्छे से दोनों तरफ से हम पकने देते हैं। तब तक मीन वाइल हमने जो ये निकाल के रखे थे इसको भी हम हाथ में ले लेते हैं और इसी तरीके से गोले बना बना के तलते हैं और निकालते हैं। बहुत बड़ा प्रोसीजर है दोस्तों, बना तो लिया मैंने इतना सारा, अब तलने भी पड़ेंगे, तू हेल्प करेगा आज तू, ठीक है। मीनवाइल दोस्तों ये करना पड़ रहा है, तो ये पकने में ना यूजुअली 5 मिनट्स तो लगेंगे, ठीक है, अपना टाइम लेते हैं ये भाई।
नमकीन ऐसी थोड़ी ना है कि नहीं अन्नू, मेरे भाई बहन आज मेरी हेल्प कर रहे हैं। घर पे तो कोई होता नहीं है हेल्प करने के लिए, है एक इंसान जिसने की हेल्प करनी चाहिए, पर अद्भुत जी क्या लगता है दोस्तों, मुझे लगता है कि ये हो गए, देखो लो ये हो गए हैं, अब इसको हम इस कंटेनर में ट्रांसफर करते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या है, तो क्या हुआ ना दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। मैंने अपनी काकू को प्रॉमिस किया था कि मैं बनाऊंगी, वो प्रॉमिस तो धरे के धरा ही रहेगा, और आज उन्होंने बना दिया जो कि बहुत टेस्टी बने। फिर मुझे अपना वादा याद आया और अब मैं बना रही हूँ, क्या वो कौन सा पक्का बोलते हैं उसको, वादे की पक्की नहीं हूँ पर हूँ। तो ऐसे ही कर करके मैं बाकी का भी बना देती हूँ और आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखाती हूँ। ओके ये क्या है, ये इधर बड़ा ये इधर छोटा, बट गुड ट्राई। हाँ कर अभी वैसे कर ले। दोस्तों ये मेरी बहन, उसको ये बड़ा मजा आ रहा है काटने, वाह 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 अनोखी। चलो कोई बात नहीं, गुड गुड गुड, काफी हो गया काफी हो गया, अजून नहीं। थैंक यू फॉर योर हेल्प, जाती करे खाना मत। ओह माय गॉड। तो दोस्तों हम और एक चीज मैं आपको बताना भूल गई कि ये जो हम काटते हैं ना, इसके बीच में हम ऐसे छेद करेंगे ना तो ये और क्रिस्पी लगेंगे, बट मैंने इस बार इसलिए नहीं की क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका जो साइज है वो छोटा रखा है और मुझे हल्के से सॉफ्ट भी चाहिए थे। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, अगर आपको थोड़ा क्रिस्पी चाहिए तो यू कैन डू दिस थिंग जो मैं कर रही हूँ, आप पास छेद कर सकते हैं आप, अदरवाइज यू कांट। सो मैं आपको दिखाने के लिए छेद करी, बट दिस इज नॉट माई रिक्वायरमेंट। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा, सेकेंड बैच इज रेडी, इसको भी हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। ये मेरी बहन बीच बीच में पूरा खा रही है, जिसको टेस्ट करना है बताना है, पहले से खा रही है। तो मैं आपको ये पूरा कंप्लीट होने के बाद मिलती हूँ फिर से, ठीक है। तो दोस्तों मैं टेस्ट करने जा रही हूँ, जैसे जबकि मैंने टेस्ट कर लिया है, बहुत टेस्टी बना, लेकिन आपके सामने हर निवाले में वही स्वाद। मेरे भाइयों को, भाई को, बहन को, उनको भी बहुत पसंद है, लेकिन उनको कैमरा शायद तो नहीं आना चाहते हैं वो। इसमें जो दही का टेस्ट आ रहा है अमेजिंग। आप भी ऐड करिए इंग्रेडिएंट जब कभी भी आप ये नमकीन पारे बना रहे हो और मज़े कीजिए। तो अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज अद्दू गुस्सेल खाना। ओके बाय, टेक केयर, आई एंजॉय दिस, बाय बाय।